Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing live process, and this is lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching this part 4. In this lecture, we are going to discuss today about the digestion in human being, or means nutrition in human being. Nutrition mein basically jo sare process hai, usme digestion ek part hai, not only digestion, but also there are so many processes involved in nutrition. So, जो न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात हम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो हम वी आर टेकिंग वेरियस टाइप ऑफ फूड. कई बार जो हम फूड आइटम लेते हैं ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं. इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें होते हैं प्रोटीन्स, इसमें होते हैं फैट्स, इसमें होते हैं मिनरल्स. तो इन सारे का सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से और या फूड पाइप जिसको आप कहते हैं उससे हम लेते हैं और इंटेक करते हैं. तो इन सब के डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, इनके साथ सलियत में होता क्या है और ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हाउ द ट्रीटमेंट गोइंग टू ईच वन ऑफ देम, ये हमें इसमें सीखना है. तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था अमीबा में कि उसमें 5 स्टेजेज होते हैं. एक इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, सिमिलेशन होता है और रिजेक्शन होता है. इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी ये सारे प्रोसेस होते हैं और इन सारे प्रोसेस के अंदर में मैकेनिकली क्या क्या होता है और केमिकली क्या क्या चेंजेज होते हैं, ये हम डिटेल में इसमें सीखेंगे. तो ऑल दीज मैकेनिजम्स व्हाट वी आर गोइंग टू हैपन इन द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और डाइजेशन ऑफ फूड आइटम्स, वी विल लर्न वन बाय वन इन डिटेल्स. So, हम बात करने जा रहे हैं इस न्यूट्रिशन ऑफ कि मैकेनिज्म क्या. सो हम बात करने जा रहे हैं इसमें बात न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में. और इसमें ये कहेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स मींस व्हाट. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग इज द कंप्लीट प्रोसेस, complete process from food intake that is taking food, right now, from food intake to conversion in form of energy after digestion, form of energy after complete digestion of food material. ठीक है. तो ये हमारी पूरी की पूरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में सारे के सारे प्रोसेस है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड. मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड क्या क्या है मैकेनिज्म. तो इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं. देयर आर 5 स्टेप्स फॉर दिस मैकेनिज्म. इसमें भी 5 स्टेजेज होते हैं. पहला जो होगा वो क्या है, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन. ठीक है. तो ये 5 प्रोसेस जो अमीबा में हमने सीखा था, वही 5 प्रोसेस यहाँ भी होना है ह्यूमन बीइंग में. फूड की डाइजेशन, इंजेशन से लेकर के और रिजेक्शन तक, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या अनयूज्ड फूड आइटम्स हैं, अनयूज्ड मटेरियल है, वहां तक पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो न्यूट्रिशन के अंदर आएगी. तो हम बात करते हैं इसमें 1 by 1 कि इंजेशन से शुरुआत करते हैं. इंजेशन में क्या होता है, अब आप एक की बात करते हैं तो यहां से शुरुआत कर लेते हैं. इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बकल कैविटी ऑफ
इन बक्कल कैविटी और माउथ जो भी आप कहें, इसमें यहां से माउथ एंड फ्रॉम माउथ टू एंड फ्रॉम माउथ टू स्टोमेक और इवन यू कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां तक पूरी की पूरी प्रोसेस है जो है वो इंजेशन है। तो इंजेशन का मतलब ये हुआ कि हमने फूड आइटम्स को लिया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बाहर में है उसको हमने इंटेक किया, और इंटेक करने के बाद कहाँ आया, ये माउथ में, बकल कैविटी है ना, ये बकल कैविटी और माउथ में हमने लिया। यहाँ पर क्या होता है, अब सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है फूड के साथ। पहले तो फूड को जो होता है इसको जब हम इंटेक करते हैं तो हमारी टीथ जो है उसको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करती है, ये सबको पता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि उसको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करती है। लेकिन जब आप इसको मुंह में लेते हैं, माउथ में लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो एक सलीवा निकलता है सलीवरी ग्लैंड से, यहाँ पे एक सलीवरी ग्लैंड होती है उससे एक सलीवा निकलता है, और सलीवा क्या करता है, उसको मॉइस्चर करता है, मॉइस्चर करने का मतलब है उसको सॉफ्ट बनाता है, और उस सलीवा लार होती है इससे सॉफ्ट बनाता है, और सॉफ्ट बनाने के बाद तो ये सारे प्रोसेस हम लिखते हैं कि वन बाय वन क्या होता है। देखिए पहले सॉफ्ट बनाने से क्या होता है कि ये जो है वो इनटेक करने में स्वेलो करने में स्वेलोइंग मतलब इसको जो सॉफ्ट हो जाने की वजह से उसको निगलने में या सॉल्विंग करने में मदद मिलती है। तो अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो हमारी जो फूड पाइप्स है वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, इसको फूड पाइप को इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस जो है इसमें जो है उसको इंटेक करना है, और ये तो टंग जो है उसको कॉन्ट्रैक्शन और के जरिए धीरे 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 पुश करता है, तो ये सॉफ्ट होना जरूरी है, और सॉफ्ट करने का काम कौन करता है, सलीवा करता है, और सलीवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ये फूड को कॉम्प्लेक्स मैटर से सिंपलर मैटर में कन्वर्ट कर देता है, लाइक स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट कर देता है ऑलमोस्ट। सो इस तरह से इसको हमें इनटेक करने में सहूलियत मिलती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। इसी प्रोसेस में आपको टंग में टेस्ट बड होते हैं जिससे आपको फूड के टेस्ट के बारे में पता चलता है कि तिखी है कि ज्यादा सॉल्टी है कि क्या है। तो इस तरीके से टंग में हमारे टेस्ट बड होते हैं, और ये जो है रोल करता है फूड को, और पूरी तरह से रोल करने जितनी बार रोल करता है और च्यूइंग होती है, कटिंग होती है टीथ से, उतनी बार जो सलीवा है वो उसमें मिक्स होता जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स जो फूड आइटम था वो एक लिक्विड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होकर के फिर उसके बाद जो हमारे एसोफेगस जो है फूड पाइप जो है उसके जरिए अंदर जाता है। तो ये प्रोसेस है इंजेशन का। उसके बाद बात आती है डाइजेशन की। तो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होगा, ये प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स द कंप्लीट फेनोमेनन इन विच the complex food is converted into simpler form by various biological process, biological catalyst, biological catalyst
कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम, एंजाइम्स, राइट, कॉल्ड एंजाइम्स। तो इस तरीके का बहुत सारे प्रोसेस जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो फूड का फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कौन सा इस्तेमाल होता है, तो वेरियस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम्स, जो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, राइट। तो इसके पूरी प्रोसेस को हम ऐसे समझते हैं कि फूड जो है इसमें हम जब इनटेक करते हैं माउथ में तो इसमें मिलता है सलीवा, और ये सलीवा आता कहाँ से है, ये आता है फ्रॉम सलेवरी ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड से आता है, सलीवरी ग्लैंड से आता है सलीवा, इसमें मिक्स होता है। और सलीवा में क्या होता है कि इसमें एक होता है सलेवरी एमाइलेज जो इसको ब्रेक करता है। ये तो पहले क्या करता है, यहाँ से ये सॉफ्टनिंग का काम करता है, बेसिकली ये काम करता है सॉफ्टनिंग का, सॉफ्टनिंग एंड मॉइस्टनिंग, मॉइस्टनिंग का काम करता है। उसके बाद इसमें होता है सलेवरी एमाइलेज, सलेवरी एमाइलेज, ये क्या करता है, सलेवरी एमाइलेज जो होता है वो ये ब्रेक करता है फ्रॉम विच ब्रेक डाउन ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म लाइक सुगर, ठीक है। ये सलेवरी एमाइलेज कहां से निकलता है, सलीवा से निकलता है, और ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसको सिंपलर फॉर्म में लाइक सुगर में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद ये जो होता है वो पूरा का पूरा ये जो फूड आइटम्स हैं वो इसोफेगस के जरिए कहाँ चला जाता है, इसोफेगस के जरिए स्टोमेक में चला जाता है, स्टोमैक, ठीक है, स्टोमैक में चला। इसको आप फूड पाइप भी कह सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, ठीक है ना। तो इस फूड पाइप के जरिए चला जाता है। जब ये जाता है तो जो इसोफेगस होता है बहुत ही ज्यादा ये डेलिकेटेड स्किन होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस रिलीज होती है, और उस म्यूकस रिलीज होने की वजह से जो उसका जो वॉल होता है, इसके जो इसोफेगस है, जो फूड पाइप है, इसका जो इंटरनल वॉल होता है वो डैमेज नहीं होता है। नहीं तो हम तो कई तरह की चीजें खाते हैं, कई हार्ड चीज भी खा लेते हैं, उसको भी चबा जाते हैं लोग, मुर्गे और चिकन की हड्डियां तक चबा जाते हैं और उसको चबा के जाते हैं, तो क्या होगा कि ऐसे में वो डैमेज हो सकता है। लेकिन चूंकि एक म्यूकस लीच होती है उस इसोफेगस के इंटरनल वॉल से, जिसकी वजह से वो सेफ रहता है और फूड आइटम धीरे धीरे हमारे स्टोमक में पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब जो स्टोमक है इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, इसमें इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में एक तो होता है HCl और दूसरा होता है HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, और इसमें टू डाइजेस्टिव प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं पेप्सिन और दूसरे को कहते हैं रेनिन, पेप्सिन और रेनिन होता है, HCl होता है प्लस पेप्सिन होता है और रेनिन होता है, रेनिन, रेनिन सिर्फ छोटे छोटे बच्चों में, इन्फेंट में होता है,
ये बड़ों में नहीं होता। ये क्या है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। दिस टू आर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, तो ये दोनों एचसीएल और पेप्सिन और रेनिन, ये सब गैस्ट्रिक जूस निकालता है। और ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? स्टोमेक में होता है। तो ये सारा चीज मिल करके और फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। एसिडिक एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एसिड क्या करेगा? एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा, जहां पर पेप्सिन से पेप्टोन बनता है। पेप्टोन बनता है, पेप्सिन से पेप्टोन बनता है, पेप्टोन बनता है। पेप्टोन क्या बनता है? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। ये पेप्सिन प्लस प्रोटीन ये मिल करके पेप्टोन बनाता है। ये छोटा सा कंपाउंड बनता है पेप्टोन। तो यहां तक डाइजेशन का कुछ काम पूरा हो जाता है। उसके बाद जो बच जाता है सेमी डाइजेस्टेड फूड, सेमी डाइजेस्टेड फूड, अब जो बच जाता है वो चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगले पेज पे फिर बात करते हैं। ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस निकलता है, इंटेस्टिनल जूस निकलता है। ठीक है, और ये इंटेस्टिनल जूस क्या क्या होते हैं? ये होते हैं, थोड़ा सा इंटेस्टिनल जूस निकलता है, इंटेस्टिनल जूस निकलता है। इसमें, इस जूस में दो तरह के जूस होते हैं, एक होता है बाइल जूस और एक होता है पैनक्रियाटिक जूस। जूस ये दोनों क्या करते हैं? बाइल जूस जो होता है वो इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बबल, फैट बबल्स या ग्लोबुल्स कह सकते हैं, फैट ग्लोबुल्स को इमल्सिफाई करता है। और इस इमल्सिफिकेशन से जो फैट ग्लोबुल्स होते हैं वो इमल्सिफाई हो जाते हैं। दूसरा जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो ट्रिप्सिन और लाइपेज, लाइपेज नामक दो एंजाइम्स ये कंटेन करता है। ये दोनों भी फैट को इमल्सिफाई करने में काम आता है, फैट इमल्सिफिकेशन में काम आता है, इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। और इस सब जो होता है, ये सारे करने के बाद एक एसिडिक मीडियम बनता है, और उस एसिडिक मीडियम में मीडियम बनता है और उस एसिडिक मीडियम में मीडियम बनता है। इस एसिडिक मीडियम में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन वो बन जाता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फैट्स होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से ये सब एनर्जी रिलीज करते हैं और हमारी बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन पूरा होता है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेशन में ये सारी बातें होती है, और एक एक करके ये सारे वन बाई वन जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, कंप्लीट प्रोसेस है, जिसको आपको समझना चाहिए। अब जरा फिगर के जरिए देख ले कि इसी बात को हम फिगर के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ माउथ से हमने फूड को इंटेक किया, टंग ने उसको रोल किया, टीथ ने उसको कटिंग किया और उसको चीविंग का काम किया। यहाँ से इस सलाइवरी ग्लैंड से सलीवा निकलता है, ये सलाइवरी ग्लैंड यहाँ होता है, इससे सलीवा निकलता है और इसको क्या करता है? मॉइस्टन करता है, और इसको सिंपलेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट, सिंपल में ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद ये जो है इसको फेरनिक्स कहते हैं,
इसको एसोफोगस, इस फूड पाइप को कहते हैं एसोफोगस। ये देखिए ये एसोफोगस कहलाता है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे इफेरनिक्स क्या होता है जरा समझ लीजिए, एक ही पाइप ऐसा होता है जिससे हम सांस भी लेते हैं, हम रेस्पिरेशन का काम भी करते हैं और खाने का काम भी करते हैं। तो जो ज्वाइंट होता है यहाँ पे जहाँ पे दोनों खुलते हैं एक दूसरे को, उसको हम फेरनिक्स कहते हैं। और ये एसोफोगस के जरिए आता है और फिर ये हमारे स्टोमक में आता है। स्टोमक में आने के बाद जो हमने कहा कि स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टिनियल जूस निकलता है और उसके जरिए फिर यहाँ डाइजेशन होती है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है सेमी डाइजेस्टेड फूड, और यहाँ पर सेमी डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के, और फिर इसमें ये मैक्सिमम जो होता है वो यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम बनता है। इस सारी प्रोसेस आपने देख लिया, दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बचा हुआ फैट्स है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी अभी भी रहते हैं मटेरियल जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब शिफ्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने का मतलब है शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पे जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो सॉलिड मटेरियल बच जाता है वो एनस के जरिए एक्सक्रेशन प्रोसेस में रिमूव हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी के ऑर्गन्स के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, इन सबके क्या काम है उनके बारे में बाद में बात करेंगे। मोटे तौर पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं और उनके बारे में हमने बात की, और इसके बाद अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेज थ्रू एलिमेंट्री कैनाल पासेज थ्रू एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड और अदर बॉडी फ्लूड्स। कैसे होता है ये समझने वाली बात है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टिनल विली होता है। क्या होता है? इंटेस्टिनल विली। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में जहां पे फूड डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें होता है इंटेस्टिनल विली। ये क्या होता है? ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर में निकला होता है, और ये सरफेस एरिया को बढ़ा करके जो भी डाइजेस्टिव फूड है उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये एब्जॉर्ब करके फिर जो है ये ब्लड को में जाकर के मिक्स कर देता है। तो ठीक है, ये एक कैपिलरी टाइप का फाइन बोर ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की तरफ निकला होता है, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करके देता है जब डाइजेस्टिव फूड होता है तो, और ये पूरी की पूरी जो फूड आइटम जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको एब्जॉर्ब करके और ब्लड में, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमने, इसमें ब्लड में या अदर बॉडी फ्लूड में जाकर के मिक्स कर देता है एलिमेंट्री कैनाल के जरिए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और ये जो होता है ये ब्लड में जा करके मिक्स हो जाता है। तो ब्लड में जा करके मिक्स हो जाता है, और ब्लड के जरिए जो ये डाइजेस्टिव फूड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर हो जाता है। अब इसके बाद एक वर्ड आता है जो चौथा पॉइंट था हमारा। क्या था चौथा पॉइंट हमारा? था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, मटेरियल्स टू डिफरेंट सेल सेल्स ऑफ द बॉडी वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक बॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये एसिमिलेशन जो है वो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के जरिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल की, वो डिफरेंट सेल तक जाता है, जहां पे सेल अपना वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेल मतलब क्या है कि ऑर्गन्स, सेल टिश्यू ऑर्गन्स, तो ये सब वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, चाहे रिपेयरिंग का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, या ग्रोथ का हो, तो सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, इस सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज किया जा सके, तो ये एसिमिलेशन होता है। ठीक है ना, तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे एसिमिलेशन क्या है। ये हमने बताया ही होता कैसे है, ये बस इंटेस्टिनल वीली जो होता है वो इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में कर देता है, और ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग बॉडी ऑर्गन तक और अलग अलग सेल तक, जहाँ पे उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और एनर्जी जो है वहां से यूटिलाइज होता है। अब उसके बाद एक आखिरी जो हमने इसमें पांचवी बात कही थी, वो पांचवी बात क्या था, इजेशन। तो जो फूड मटेरियल, जैसा कि मैंने कहा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर एक्सेस वाटर को फिर से बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है। तो ये इजेशन इसी प्रोसेस का नाम है। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल मटेरियल्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन, इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जैसा कि हमने कहा ये प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं इजेशन। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पर भी वीली होता है, और ये वीली क्या करता है, अब इसमें से जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके फिर बॉडी के सिस्टम में डाल देता है, और जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड मटेरियल होता है उसको फिर इजेक्ट कर देता है थ्रू एनस। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, ये डाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें भी 5 स्टेप है लाइक अमीबा, और ये सारी चीजें आपको सीखनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बीच के स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स आप वन बाई वन करके लिख सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाने के लिए आता है, जब भी आप इसमें करेंगे तो ये डायग्राम एक जरूर बनाएंगे। डायग्राम में इतनी सारी पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ आप मार्क कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये सारी चीजें, और फाइनली जो जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उन पार्ट्स को सिर्फ आप इसमें मार्क करेंगे, बाकी पार्ट्स को मार्क करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन ह्यूमन बीइंग, ये कंप्लीट हुआ, और इसमें जो बातें थी 5 स्टेज जो थे, यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कॉम्प्लेक्स एरिया है
वो आपको अच्छी तरह से समझना है। और ये फूड पाइप में स्टोमेक होता है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल और पेप्सिन होता है, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टोन में, और पेप्टोन में ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये एक डाइजेस्टिव मटेरियल हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ सेमी डाइजेस्टेड मटेरियल फूड बच जाता है वो क्या चला जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर रेनिन जो होता है वो इन्फेंट में होता है, बहुत छोटे छोटे बच्चों में होता है, बड़े लोगों में सिर्फ पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन और रेनिन दोनों होता है इन्फेंट में, लेकिन बड़े लोगों में सिर्फ पेप्सिन होता है, जो क्या करता है, ये जो प्रोटीन होता है उसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में काम करता है, प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में काम करता है। ये सारी बात आपको आपने सीख चुके हैं, आप समझ चुके हैं, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख ले तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। एक बार आप फिर से इसको खुद लिखें, जब आप लिखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि जो हम फूड आसानी से मुंह में डाल लेते हैं और समझते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, उस काम में इतने सारे स्टेप्स हैं, इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे जो ग्लैंड्स हैं, उन सब का भागीदारी होता है, उन सब का पार्टिसिपेशन होता है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ये क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर बात।